हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए सन्नाटा रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही डिलीशियस है और आजकल की मौसम में जो पेट की प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए तो बेस्ट है ये। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बर्तन ले लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे दही। ये मैंने घर में जमाई हुई दही यूज़ की है, तो लगभग ये आधी किलो दही है। अब हम इसको सबसे पहले बिल्कुल इसके लम्स निकाल लेंगे, बिल्कुल स्मूथ कर लेंगे इसको, जैसे कि हम हर बार दही को कुछ भी बनाएं दही का, तो हम सबसे पहले उसको स्मूथ ही करते हैं। अब अच्छी तरह से स्मूथ जब ये हो जाएगी, उसके बाद हमें इसमें ऐड करना है पानी। पानी इसमें बहुत सारा एकदम से ऐड नहीं करना है, ये एक एक ग्लास करके मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा पतली तो नहीं रखनी है पर गाढ़ी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो अभी आप देख सकते हैं, अब दूसरा ग्लास मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, तो अभी ये बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर हो गया है। अभी मैं आपको उसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी पानी मिक्स करने के बाद। तो पानी भी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, तो ये बिल्कुल उसकी कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। तो चलिए अब इसमें ऐड कर लेते हैं थोड़े से मसाले। तो ये जो एक चम्मच मसाला मैं डाल रही हूँ, इसमें काला नमक, काली मिर्च और भुना हुआ जीरा इसमें ऐड है, तो ये मैंने एक चम्मच भर के डाला है। अब ये डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा इसमें चाट मसाला। अगर आप चाट मसाला नहीं डालना चाहते हैं तो एक चम्मच भर के रेड चिली पाउडर डाल सकते हैं। और अब इसमें मैंने डाला है ये पुदीना, मैंने सुखा के हमेशा ही रखती हूँ गर्मियों में, तो इसको थोड़ा सा क्रश करके ऐसे डाल देंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और जो लास्ट में क्रश करने के बाद डंडियां बचती हैं उसको आप फेंक दीजिए। और अब इसमें थोड़ा सा ऐड कर लेंगे वाइट नमक। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे सारे मसालों को, सारे मसाले इसमें बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और आप कलर देख सकते हैं, और इसका जो गुण है ना, जो आजकल की गर्मी पड़ रही है जून में, उसके लिए बेस्ट ऑप्शंस हैं, आप इनको जरूर यूज करें अपने घर में। अब इसमें लगाएंगे तड़का, एक छोटा सा दिया लेंगे और सबसे पहले उसमें सरसों का तेल डाल देंगे एक चम्मच, थोड़ा सा उसमें जीरा डाल देंगे और अब इसमें थोड़ा सा डाल देंगे हींग। और गैस को हमें बाद में ही ऑन करना है, नहीं तो ये हाथ पे लगती है फ्लेम फिर। तो अभी देख सकते हैं आप, ये मैंने तीनों चीजें इसमें ऐड कर दी हैं। अब जला देंगे गैस, और इसमें आग नहीं लगनी चाहिए, जो ये ऑयल है ना, इसको इतना गर्म कर लेना है कि जीरा भी भुन जाए और इसमें आग भी ना लगे इतना, क्योंकि फिर उसमें गरम गरम आग जलती हुई उसमें डालेंगे तो फिर वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। आप देख सकते हैं, ये देखिए दिया भी थोड़ा स्मोकी हो गया है, ये ब्लैक हो गया है और जीरा भी भुन चुका है। तो इसको कैसे उतारना है, ऐसे भी नहीं, और इसको ऐसे पकड़ के उतारना है दिया को, और गैस को भी बंद कर देंगे और इसमें जो है आग नहीं लगनी चाहिए ऊपर। और इस दिए को हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि दिया थोड़ा सा ब्लैक हो गया है तो स्मोकी फ्लेवर इसमें इतना बढ़िया आएगा, सन्नाटा में बहुत ही बढ़िया स्मोकी फ्लेवर आया है और अलग ही टेस्ट इसमें बना है इस ये तड़का ऐसे लगाने से। और ऐसे इसको मिक्स करके और दिया को हम बाहर निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा इसमें कलर आया है और टेस्ट भी उतना ही बेस्ट है। अभी इसमें एक चीज और ऐड कर देंगे, ये मैं यूज कर रही हूँ इसमें बूंदी, वो भी पुदीने वाली बूंदी है, बहुत टेस्टी इसमें लगती है। अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और ये मैं इसका टेक्सचर आपको दिखा रही हूँ, सच में बहुत ही टेस्टी बनके ये तैयार हुआ है, और जो स्मोकी फ्लेवर है ना इसका तो मज़ा ही आ गया इसको। और ये बहुत ही बढ़िया इस सीज़न में पीने के लिए बिल्कुल बेस्ट है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए अपने घर में और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो चैनल पे मेरे काफ़ी सारी रेसिपीज़ हैं, दही की भी हैं और छाछ रेसिपीज़ भी हैं, आप उनको ज़रूर ट्राई कीजिए। और आप और कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं वो आपके लिए बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसी और रेसिपीज़ के लिए देखते रहिए आराधिका के कुकिंग चैनल। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं ऐसी और ईजी और टेस्टी रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।